Dr. Deepmala, Assistant Professor, Mathematics, Amalan College, Yamunanagar. The topic of today's presentation is find azimuths of the conic. So how to find azimuths of the conic? सबसे पहले what is azimuth? Azimuth is a straight lines which seems to meet the conic or a curve, you can say, at infinity. So azimuth एक straight line है जो आपके curve को seems to meet at infinity. So how to find? So let us first write general equation of the conic. Let the equation of conic be ax square plus 2hxy plus by square plus g 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is general equation of conic. Since the equation of asymptote to this conic differs, the equation of conic by some constant, let us say that constant be lambda. So the equation of asymptote to the conic is, अब जो equation of asymptote to the conic है वो differ करेगी equation of conic with the constant, और वो constant हमने ले लिया lambda. So equation of asymptote to the conic क्या बन जाएगी? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c plus lambda equal to 0. Now this is 1, this is 2. Now students, we will choose this lambda in such a way that equation 2 represents pair of intersecting lines. So we will choose the constant lambda in such a way that equation 2 represents pair of intersecting lines. अब कोई भी कोनिक, जनरल कोनिक, वी विल चूज कांस्टेंट इन सच अ वे दैट इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. और कोई भी कोनिक, जनरल कोनिक, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कब रिप्रेजेंट करता है? व्हेन वी हैव ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So this is the condition for any general equation of the conic to represent pair of intersecting lines. So इसको हम 2 पे apply करेंगे. तो AB, C is C plus lambda plus 2FGH minus AF square minus BG square minus C की जगह C plus lambda H square equal to 0. So we will solve this equation and we will find lambda. So what is lambda? In this case is minus delta upon AB minus H square. So this is lambda. So what is delta? Delta हमने पहले भी define किया था last lecture में. So delta is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. So this is delta. So आपके पास lambda की value आ गई minus delta upon AB minus H square. So therefore equation of asymptote to the given conic becomes
becomes ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2fy plus c. अब c प्लस लैम्डा, अब लैम्डा की वैल्यू डाल दो यहां पे, माइनस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ आइसोमेटोड टू द गिवन कोनिक. सो दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल हाउ टू फाइंड आइसोमेटोड ऑफ अ कोनिक. गो. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी किया इक्वेशन ऑफ आइसोमेटोड टू द कोनिक. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. सो द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफर्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ आइसोमेटोड्स बाय द सेम कॉन्स्टेंट बाय विच इक्वेशन ऑफ आइसोमेटोड्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हाइपरबोला. सो आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी माइनस टू टाइम. यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, ट्वाइस. पहले यहाँ पे क्या था, डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. सो दिस विल बिकम ट्वाइस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस करने के लिए जितने भी हमने रिजल्ट्स अभी तक किए हैं उन सबको मैंने समराइज करना है. सो वी विल समराइज ऑल द रिजल्ट्स. सो फर्स्ट, नेचर, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ द कोनिक. इफ वी हैव कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. सो केस वन, वेन डेल्टा इज जीरो, वी हैव थ्री केसेस जो हमने डिस्कस किए थे. सो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा था क्या, डेल्टा हमने डिफाइन किया था ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. सो दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नॉन जीरो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज जीरो एंड अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इफ ए प्लस बी इज जीरो. When delta is non-zero, delta is same, which we define here. So, हमने cases भी किए थे discuss. This will represent an ellipse if h square minus ab is less than zero, या फिर ab minus h square greater than zero. So, अगर आप h square minus ab लिखते हो तो ये less than zero, और अगर ab minus h square लिखते हो तो it is greater than zero. And this will represent a parabola if h square minus ab is zero. This will represent an hyperbola if h square minus ab is greater than 0 or ab minus h square is less than 0. Depending आप ये ले रहे हो या फिर ये वाली condition ले रहे हो. This will represent a circle if a is equal to b and h is equal to 0. And this will represent an rectangular hyperbola if h square minus ab is greater than 0 and a plus b is equal to 0. So we have to remember all these results to find the numericals. So let us proceed for numericals. So question 1, what conic does the equation represent? So let us take first equation of conic in general form solution. So we have equation of conic as equation of conic as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So how will we find that, what does this conic represent? हमें उसके लिए डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. सो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट अस नाउ कंपेयर कोनिक, लेट दिस इज वन दिस इज टू. कंपेयरिंग कोनिक वन एंड टू, ए इज सिक्स
is 6, 2g is 14, 2f is 5 and c is 4. So we have a as 6, h as minus 5 by 2, b as minus 6, g as 7, f as 5 by 2 and c as 4. So let us calculate delta. A is 6, B minus 6, C is 4 plus 2, F is 5 by 2, G is 7, H is minus 5 by 2, minus A, F square is 25 by 4 and A is 6, minus B minus 6, G square is 49, minus C is 4 and H square is, this is H, where is H? H we have, we haven't found here. H is 25, H square is 25 by 4. So, calculating this, after calculating this, we will get delta as 0. So, now delta is 0. So, when delta is 0, we have to check h square minus ab. If x square minus ab is 0, then this will represent pair of parallel lines. And if it is non-zero, then it will represent pair of intersecting lines. So, let us see what is value of x square minus ab. So, x square minus ab is h is 5 by minus 5 by 2, that is 25 by 4 minus A is 6 and B is minus 6. So, this will be non-zero. So, if h square minus AB is non-zero and delta is 0, the conic represents pair of straight intersecting lines. So, this completes the question. Question 2. What conic does the equation 36x square plus 24xy plus 29y square minus 72x plus 126y plus 81 equal to 0 represents? जब भी हमने देखना है कि conic क्या represent कर रहा है, first of all we have to find value of delta. So, general equation of conic is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now comparing this as equation 1, this as equation 2. Now we will compare 1 and 2. A as 36, 2h is 24, B is 29, 2G is minus 72, 2F is 126 and C is 81. So, we have A as 36, H as 12, B as 29, G as minus 36, F as 63 and C as 81. So, let us calculate delta now. What is delta? ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. So, hum check karenge delta 0 hai ya non-zero. Theek hai? So, ABC is 36, B is 29 and C is 81. Plus 2, F is 63, G is minus 36 and H is 12. Minus A, 36, F square, 63 square. Minus B is 29, G square is minus 36 square. Minus 81 into H is 12. So, 12 square. So, after calculating, we get delta as non-zero. If delta is non-zero, it may be ellipse, hyperbola
और पैराबोला और इवन अ सर्कल. सो लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए बी माइनस एच स्क्वायर. ओके, इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो देन इट रिप्रेजेंट्स एलिप्स, इफ इट इज लेस देन जीरो देन इट रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला. सो व्हाट इज ए बी माइनस एच स्क्वायर? ए इज 36, बी इज 29 एंड एच इज 12. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज 900 विच इज ग्रेटर देन जीरो. सो द कॉनिक रिप्रेजेंट्स इलिप्स, ठीक है, डेल्टा लेस देन नॉन जीरो और ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो. सो द कॉनिक रिप्रेजेंट्स इलिप्स. सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एक्स वन बाय वन. दिस आई हैव रिटन एक्स वन इज एफ एच माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड वाई वन इज जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड इक्वेशन रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन. सो लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट. सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर. सो सेंटर फाइंड आउट करने के भी टू वे आउट्स हैं जो आपके बुक्स में मेंशन है. मैं आई विल टेक फर्स्ट वन. सो पहले मैं पहला मेथड करवाऊंगी कैसे फाइंड आउट. एक्स वन इज एफ एच माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. सो एफ इज 63, एच 12, बी 29, जी माइनस 36 डिवाइड बाय अभी हमने निकाला था ए बी माइनस एच स्क्वायर इज 900. When you calculate this, you will get the above as 1800 and below is 900. So you will get x1 as 2 and y1 is gh minus af upon ab minus h square. So gh, g is minus 36, h is 12, a is 36, f is 63 divided by 900. So after calculating, you will get that as minus 2700 upon 900. So it is minus 3. So coordinates of the center are 2 comma minus 3. So these are the coordinates of the center. Now you have to find equation referred to center as origin. So what was the equation? Ax square plus by square plus 2hxy plus c1 as जीरो. ये हमने की थी वेयर सी वन इज जी एक्स वन प्लस सॉरी जी एस एच वाई वन प्लस सी. सो पुट द वैल्यू ऑफ जी एच सी एक्स वन एंड वाई वन जो हमने कैलकुलेट की है. यू विल गेट इक्वेशन रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन. सो पुट द वैल्यू कर दे. So students, there is a mistake. Here it is f by 1. So put the value. C1 calculate karo. G is here minus 36. X1 is 2 plus f is 63 and y1 is minus 3 plus c is 81. So after calculating this, you will get C1, this is C1, C1 as minus 180. So the equation becomes value of A is 36x square plus 2h is, value of 2h is 24xy, B is 29y square plus C1. C1 is minus 180 is equal to 0. So this is the equation of the conic. What curves are represented by the equation for different values of lambda? So हमने different values of lambda के लिए हम इसको देखना है कि ये curve क्या represent करेगा, ठीक है? So let us compare this curve with the general equation of the conic. Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So a is 1, comparing 1 and 2.
ए इज वन, टू एच इज वन, बी इज वन प्लस लैम्डा, टू जी इज टू लैम्डा, सॉरी टू जी एक्स इज जीरो, टू जी इज जीरो, टू एफ इज टू लैम्डा एंड सी इज माइनस वन. सो वी विल गेट ए एज वन, एच एज वन बाय टू, जी इज जीरो एंड एफ इज लैम्डा, सी इज माइनस वन. सो हमने अगर देखना है कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं. एंड व्हाट इज डेल्टा? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. सो वी विल कैलकुलेट दिस. ए इज वन, बी इज वन प्लस लैम्डा, सी इज माइनस वन प्लस टू, एफ एफ इज लैम्डा, जी इज जीरो, एच इज हाफ. ए इज वन अगेन, एफ इज लैम्डा स्क्वायर, एफ इज लैम्डा माइनस बी, जी इज जीरो सो इट इज जीरो, सी इज माइनस वन सो इट इज माइनस वन, एच स्क्वायर इज वन बाय फोर. So we will calculate this. So what will we get? We get 2h is equal to 2. This is 2. So h is 1. So here h is 1. So what we get? We get 1 plus lambda into minus. This is 0 minus lambda square and this is plus 1. So it is minus 1 minus lambda square plus 1. So what will we get? We get minus lambda into 1 plus lambda. So delta is minus lambda into 1 plus lambda. So now delta is also depends on value of lambda. So cases. So case it depends on value of lambda. इसके बाद हम देख लेते हैं ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या होता है. ए इज वन, बी इज वन प्लस लैम्डा माइनस एच, एच इज वन सो इट इज वन प्लस लैम्डा माइनस वन सो इट इज लैम्डा. सो ए ए बी माइनस एच स्क्वायर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द केसेस delta and ab minus h square for various values of lambda such as lambda greater than 0, lambda less than 0, lambda equal to 0 and so on. So case 1, lambda greater than 0. When lambda is greater than 0, delta is non-zero. Okay? And what about ab minus h square? This is also greater than 0. So when delta is non-zero and AB minus H square greater than 0, so this implies conic represents ellipse. So this is case 1. Case 2. When lambda less than 0, negative. अब lambda negative है. तो मैं अगर इसको माइनस वन वाला केस यहां पे छोड़ दूं, सो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे. तो आपके पास डेल्टा अगेन नॉन जीरो. ठीक है, माइनस वन के लिए डेल्टा इज नॉन जीरो, माइनस वन को छोड़ दिया यहां पे. व्हाट अबाउट ए बी माइनस एच स्क्वायर विच इज लैम्डा? लैम्डा इज लेस देन जीरो सो दिस इज लेस देन जीरो. सो दिस इंप्लाइज कोनिक रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला. केस थर्ड. अब जो केस मैंने छोड़ा था वो ले लेते हैं लैम्डा माइनस वन. व्हेन आई टेक लैम्डा माइनस वन डेल्टा इज जीरो एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन विच इज नॉन जीरो. डेल्टा जीरो है, ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉन जीरो है. दिस रिप्रेजेंट कोनिक रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग
लाइंस. ओके, सो हमने केस डिस्कस किया ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, और जो यहां से रिजेक्ट किया था वो केस यहां आ गया. अब केस कौन सा रह गया, व्हेन लैम्डा इज जीरो. व्हेन लैम्डा इज जीरो डेल्टा इज जीरो. एंड व्हाट अबाउट एवी माइनस एक्स स्क्वायर, एवी माइनस एक्स स्क्वायर इज अगेन जीरो. सो इफ डेल्टा इज जीरो एंड एवी माइनस एक्स स्क्वायर इज जीरो, दिस इंप्लाइज कोनिक रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. सो सारे हमने वैल्यूज की, लैम्डा की वैल्यूज के लिए केसेस डिस्कस कर लिए. तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन फोर, फाइंड एसिमटोट्स ऑफ द हाइपरबोला. दिस ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ आइसोमेटोट्स टू एनी कोनिक ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हमने निकाली थी, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी माइनस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. सो कंपेयरिंग वन विद द जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग वन विद जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, वी गेट ए एज सिक्स, टू एच एज माइनस सेवन, बी एज माइनस थ्री, टू जी एज माइनस टू, टू एफ एज माइनस एट एंड सी एज माइनस सिक्स. सो वी हैव ए एज सिक्स, एच एज माइनस सेवन बाई टू, बी एज माइनस थ्री, जी एज माइनस वन, एफ एज माइनस फोर, सी एज माइनस सिक्स. सो वट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सॉरी ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट 121 बाय 2. सो डेल्टा, वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 121 बाय 2. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट ए बी माइनस एच स्क्वायर. सो ए बी माइनस एच स्क्वायर, दिस इज ए सिक्स, बी माइनस थ्री, बी इज माइनस थ्री, माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 49 अपॉन 4. सो इट इज माइनस 121 अपॉन 4. क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. सो इट इज डेल्टा इज 121 बाय 2 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इज माइनस 121 बाय 4. सो इट इज माइनस 2. So we get value of delta upon AB minus H square as minus 2. So equation of isomatote of hyperbola is given by A is 6 X square, 2H is minus 7 XY, B minus 3 Y square, प्लस टू जी इज माइनस टू एक्स, प्लस टू एफ इज माइनस एट वाई, सी इज माइनस सिक्स एंड डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इज माइनस टू. सो इट इज माइनस टू इक्वल टू जीरो. सो व्हाट वी गेट, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट वाई माइनस सिक्स प्लस फोर जीरो. सो वी विल गेट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोमेटोट ऑफ हाइपरबोला. अभी भी ये क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. सो लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. सो वी हैव, अभी भी हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इसे करेक्ट करो. यहां पे प्लस टू आएगा और माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस फोर. सो मिस्टेकनली
यहाँ पे प्लस फोर लिख दिया था तो इट इज प्लस टू, इट इज माइनस फोर. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एसिमेटोर्स ऑफ हाइपरबोला. सो लेट अस नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. We have discussed equation of conjugate hyperbola that is given by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c minus 2 times delta ab minus h square equal to 0. So let us put the values a as 6, 2h is 7, minus 7, xy b is minus 3y square, 2g is minus 2, x minus 8, y, c is minus 6, minus 2, and value of delta upon ab minus s square is again minus 2 equal to 0. So what is the equation? 6x square minus 7xy minus 3y square minus 2x minus 8y minus 6 plus 4 equal to 0. So equation is 6x square minus 7xy minus 3y square minus 2x minus 8y minus 2 equal to 0. So this is equation of conjugate hyperbola, and this was the equation of asymptotes of hyperbola. So dono clear hai? Asymptote of the hyperbola is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c minus delta upon ab minus s square 0, and equation of conjugate hyperbola is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c minus twice of delta upon ab minus h square equal to 0. So this completes the questions. So in the next video I will take the next topic of the same chapter. So thank you for watching.